दोनों लड़ लिए हैं तो अभी ये कर रही हैं, उसके बाद जब ये थक जाएंगी तब मैं करूंगा। चैनल रुचि स्टाइल कॉर्नर। तो आज हम लोग एक्चुअली मतलब अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले एक वीडियो खत्म किया है और यहीं से मैं दूसरा पार्ट जो है वो स्टार्ट कर रही हूँ। सो द थिंग इज, एज यू हैव सीन, अगर आप मुझे काफी टाइम से फॉलो करें तो हमने देखा होगा दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम लिविंग इन अ रेंटेड अपार्टमेंट, 1 BHK रेंटेड अपार्टमेंट। जो लोग नए हैं उनको मैं बता देती हूँ। सो यू नो, दिस रूम एंड बेडरूम को हमने काफी हद तक ट्रांसफॉर्म किया है। यहाँ पर बहुत ही गंदे गंदे से पेंट थे और यू नो ऐसा लग रहा था पता नहीं कब से यहाँ पे पेंट नहीं हुआ है। एंड हमारे ओनर ने ऑब्वियसली, अभी उनका तो खुद का घर है तो वो ऐसे ही नॉर्मल पेंट थोड़ा ना करवाएंगे, वो बहुत बड़ा सा प्रोसेस करके एंड बहुत जब वो यहाँ पर मुंबई में यू नो पेंटिंग चार्जेस आर वेरी एक्सपेंसिव, आप जब किसी से भी करवाते हो यहाँ पर तो वो सब यू नो घिस विस के एंड ऑल दैट जो भी लंबा सा प्रोसेस होता है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा चार्जेस लग जाते हैं, काफ़ी प्राइस लग जाता है। उन्होंने हमको बोला था कि 50% हम लोग देंगे एंड 50% हमारे ओनर देंगे एंड वी रिफ्यूज टू डू दैट बिकॉज हम तो हमें नहीं पता हम यहाँ पर कब तक रहने वाले हैं। तो इसलिए फिर हम लोगों ने बोला कि हम खुद ही कर लेंगे, वो ज़्यादा हमको सस्ता पड़ेगा। एंड क्योंकि अब हम इतने टाइम से यहाँ पर रह रहे हैं और यू नो अब ठीक है, हम लोग ये नहीं सोचते कि यार हम क्यों करें, हम जैसा है वैसे ही रह लें। वी बोथ लाइक टू लिव इन अ यू नो अच्छी प्लेस में रहना अच्छा लगता है। सो हमारा बेडरूम और हमने जो लिविंग रूम है ये तो ऑलमोस्ट हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया है, बट क्योंकि किचन ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है ना तो वो अब और भी ज़्यादा गंदा लगने लग गया है। मतलब वो उसमें अभी भी ब्लैक ब्लैक से वो बहुत ही ज़्यादा इवन आउट टाइप का लगने लग गया है। और क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा किचन में जाता है, ऑब्वियसली खाना बनाते हैं हम, कमा किस लिए रहे हैं, खाने के लिए कमा रहे हैं, वो प्रोसेस हमारा वहाँ पर होता है, हमारे भगवान वहाँ पर रखे हुए हैं तो कायदे से हमको वो सबसे पहले करना चाहिए था, बट हम लोग अभी भी टाल रहे थे उसको क्योंकि हम इसको करने में इतना थक गए थे। तो हमने सोचा था कि जब हम एक्चुअली में फ्री होंगे और हमारे पास कोई काम नहीं होगा तब हम लोग किचन की तरफ जाएंगे। सो नाउ बिकॉज अब वो इतना गंदा दिखने लगा है और बहुत मेस्ड अप हो रखा है किचन में, क्लीनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, डीप क्लीनिंग की। तो आई थॉट कि बिल्कुल छोटा सा तो किचन है, ज़्यादा वॉल्स भी नहीं है उसमें, मतलब ज़्यादा एफर्ट्स भी नहीं लगेंगे। तो मैं एंड विक्की वी आर डिसाइडेड कि चलो हम उसको भी पेंट कर देते हैं बचा खुचा जो है तो वो थोड़ा क्लीन और अच्छा लगे, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज हमारे भगवान वहाँ पर रखे हुए हैं तो भगवान वाली जगह तो एकदम क्लीन एंड सॉर्टेड होनी चाहिए, राइट। सो आज हम लोग वही पेंट करने वाले हैं। तो आज फ्राइडे नाइट है तो विक्की इसलिए स्पेसिफिकली आज जल्दी आ गया था ऑफिस से ताकि हम सब खा पी के फ्री हो जाएं और हम 2-3 घंटे का स्लॉट लेके चल रहे हैं। क्योंकि यू नो दिन में आप पेंट करना स्टार्ट करते हो तो एक तो बहुत लेजी सा फील होता है, उसके बाद घर बिखरा रहता है, वो अच्छा नहीं लगता। तो अभी हम रात में करके फ्री हो जाएंगे तो कल थोड़ा बहुत जो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट रहेगा वो हम कर लेंगे हमारे हिसाब से। सो यस, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। तो मैं छोटे छोटे से क्लिपिंग्स लूंगी, ज्यादा एकदम पेंटिंग वाला प्रोसेस जो है वो शूट नहीं करूंगी। सो या, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। मिनिमलिज्म इसलिए पसंद करने लगी हूँ क्योंकि जितना जरूरत का सामान है उतना ही रखूं, क्योंकि सब मेंटेन करना आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में रियली रियली डिफिकल्ट। या तो आप मेंटेन करो और मेंटेन नहीं कर सकते हो तो बिल्कुल कम से कम 4 बर्तन रखो बस। ये सारा तामझाम इसी ने इकट्ठा किया है। तो अब लेकिन पसंद भी तो नहीं आ रहा है, सफाई भी तो मुझे ही करनी पड़ रही है, इकट्ठा किया है तो उसको निकाल देते हैं। जब भी आप किसी पेंट के ऊपर कोई लाइटर कलर कर रहे हैं, सपोज जैसे ये डार्क कलर है और मुझे उसके ऊपर लाइट कलर करना है और उसमें काफ़ी सारे आप देख सकते हैं बहुत मार्क्स भी लगे हुए हैं, तो हमेशा सबसे पहले सैंड पेपर से आप थोड़ा सा इसको रब कर लीजिए एंड देन फिर जहाँ जहाँ पर भी मार्क्स हैं वहाँ पर ब्रश से करिए एंड देन फिर आप उसके ऊपर रोलर से करिए। तो इससे जो आपका जो डार्कनेस है आपके वॉल की वो पूरी तरह से हट जाती है और ऐसा हमारा एक्सपीरियंस है। अभी पेंटिंग का भी कोई एक्चुअल में थंब रूल नहीं होता है। क्योंकि हम दोनों लड़ लिए हैं तो अभी ये कर रही हैं, उसके बाद जब ये थक जाएंगी तब मैं करूंगा, हम दोनों साथ में नहीं कर रहे। और ये भी रीजन है कि एक ही रोलर है इसके लिए, नहीं दो रोलर है पर दोनों को यही वाला रोलर चाहिए क्योंकि इससे बहुत अच्छे से हो रहा है। हाँ,
तो ये भी है। सो दिस इज हाउ इट इज लुकिंग लाइक। अभी जैसा था वैसे ही हमने ऑर्गेनाइज कर दिया है, बिकॉज विद इन 2.5 आवर्स के अंदर अंदर हमने पूरा सब कुछ पेंट वेंट करके एंड क्लीन वगैरह करके सब कुछ एज इट इज जमा दिया है। बाकी अब कल अब नींद आ रही है बिकॉज 2:30 बज चुके हैं ऑलरेडी। तो पेंट का एक हेडेक था वो हो गया है, बाकी ऑर्गेनाइजेशन और डी क्लटर अभी तक मैंने नहीं किया है, बट आई एम लिटरली गोइंग टू डू लॉट ऑफ डी क्लटर, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है बहुत अननेसेसरी सामान है किचन में जिसका यूज नहीं है, वो फालतू का सामान रखा हुआ है। तो कल मैं अच्छा खासा मैसिव काइंड ऑफ डी क्लटर करूंगी एंड देन फिर उसको ऑर्गेनाइज करूंगी अच्छे से। और अभी मैं सोती हूँ, अभी आई एम गोइंग टू टेक शावर एंड देन आई एम गोइंग टू स्लीप और मैं आप लोगों से मिलती हूँ कल। हाय गाइस, सो आज है सैटरडे और आज हम लोग पेंट करने जा रहे हैं। ये जो आप हमारा पीछे का लॉबी एरिया देख रहे हैं ये बचा हुआ है, बाकी सब कुछ हो चुका है। किचन में डी क्लटरिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है, थोड़ी बहुत बची हुई है, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है। अभी विक्की कुछ कुछ चीज़ें सॉर्ट कर रहा है, जैसे स्पून रखने वाला जो हम लोग हैं कुछ अलग कर रहे हैं, वो सब चीज़ें भी चल रही हैं। और दो तीन चीज़ें और लाना है किचन के लिए एंड तब तक मैं ये वाला जो एरिया है ये पेंट स्टार्ट करूँगी। आप लोगों को पूरा किचन टूर मैं थोड़ा सा और ऑर्गेनाइज करने के बाद बताऊँगी। वैसे काफ़ी कुछ मैंने ऑर्गेनाइज कर दिया है बट स्टिल मैं आपको आराम से इसका किचन टूर जो है वो बताऊँगी। हाय गाइस, सो टुडे इज मंडे और हमारा जो पूरा किचन है वो पेंट हो चुका है, साथ ही साथ हमारी जो ये वाली लॉबी है ये वाला एरिया भी पूरी तरह से पेंट हो चुका है। बट अभी स्टिल यू नो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि ऑर्गेनाइज मैंने इतने अच्छे से नहीं किया है, तो भी इट इज़ इन प्रोसेस। थोड़ा एज यूजुअल व्हाइट कलर का पेंट किया है, हमारे पास पेंट जो है वो बचा हुआ था, हमने बेडरूम एंड हॉल में पेंट किया था। एंड आज मैं आप लोगों के साथ में एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ और एक प्रोडक्ट शेयर करने वाली हूँ जो कि मुझे रिसीव हुआ था काफ़ी दिन पहले, तो वो काफ़ी दिनों से पेंडिंग था आप लोगों के साथ शेयर करना। तो आई एम जस्ट गोइंग टू अनबॉक्स इट बिकॉज मैंने अभी तक उसको यूज नहीं किया है एंड मैं फर्स्ट टाइम आज यूज करने भी वाली हूँ, तो अपना एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एंड प्रोज एंड कॉन्स एंड जो भी होगा उसका वो सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद दिस। तो मुझे ये प्रोडक्ट रिसीव हुआ था जिसका नाम है गीक रोबो कुक स्मार्ट किचन असिस्टेंट। सो दिस इज बेसिकली 11-in-1 मल्टी कुकर। इसके अंदर आप स्टीम कर सकते हैं, इसके अंदर राइस कुकर है, इसके अंदर प्रेशर कुकर है, इसके अंदर सौते है। सो यू नो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिस्टम 11 तरह के इसमें अवेलेबल है और जो कि मैं सब यहाँ पर नोट डाउन कर लूंगी क्या क्या इसके अंदर सिस्टम अवेलेबल है। अभी आते हैं इसकी अनबॉक्सिंग पे। तो मैं इसको फर्स्ट टाइम यूज करने वाली हूँ, तो इसको अभी सबसे पहले हम अनबॉक्स करते हैं। इसको अनबॉक्स करते से ही सबसे पहले इसमें से जो चीज़ें निकलती हैं वो तो सबसे फर्स्ट तो कुकर है, उसके बाद इसमें आती है एक बहुत ही अच्छी सी रेसिपी बुकलेट जिसमें सब तरह की रेसिपीज दी हुई हैं, वेज नॉन वेज और किस तरह से आप कुकर में हैंडल कर सकते हैं चीज़ें वो सब इसमें मेंशन है। नाउ कमिंग टू द कुकर, ये काफ़ी अच्छी स्टेनलेस हैवी मटीरियल से बना हुआ है, काफ़ी ड्यूरेबल है और ये है इसका ऑपरेशनल सेक्शन। तो यहाँ पर ऑन एंड ऑफ का बटन है, देन कीप वार्म एंड कैंसिल, डिले टाइमर, राइस, आपका सब कुछ यहाँ पर प्रीसेट दिया हुआ है। सपोज आपको अगर राइस बनाना है तो यू हैव टू जस्ट क्लिक दिस बटन, अगर आपको दाल बनाना है चना दाल बनाना है देन यू हैव टू जस्ट क्लिक दिस बटन, इडली बनाना है तो आपको ये करना है। मैनुअली भी आप इसमें सेट कर सकते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग, क्विक मीडियम स्ट्रॉन्ग, सो यू नो आप सबके प्रीसेट्स अवेलेबल हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आपको सारा जो भी रिमूवल वहाँ पर दिया हुआ है अच्छे से आप पहले देख लीजिए।
और उसके बाद हम इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसमें एक कंटेनर आता है जो कि जो जिसमें एक्चुअली में कुकिंग होता है। तो ये 5 लीटर्स की इसके अंदर कैपेसिटी है। ये और भी अलग अलग वेरिएंट्स में आता है, जैसे 8 लीटर्स का आता है, 11 लीटर्स का आता है, बट आई थिंक 5 लीटर्स इज़ गुड फॉर इंडियन होम। तो यहाँ पर अभी सबसे पहले मैं ऑन करूँगी और सौते का बटन क्लिक करूँगी, और यहाँ पर मैंने ऑयल डाला है और सारे खड़े गर्म मसाला डाला है। हम यहाँ पर बना रहे हैं वेज पुलाव, तो आप जिस भी आपके अकॉर्डिंग बनाते हैं, जैसी रेसिपी बनाते हैं, आप वैसे बना सकते हैं। यहाँ पर मैं अपने तरह से बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने अनियंस डाला है, अभी मैं इन सबको सौते कर रही हूँ। उसके बाद आई एम एडिंग हेयर ग्रीन चिलीज एंड जिंजर गार्लिक का पेस्ट। तो ये जो जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, ये मैं रेडीमेड यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो घर का यूज़ कर सकते हैं। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए एंड सौते कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर वेजीज ऐड करनी है, आप अपने अकॉर्डिंग जो जो वेजीज में आप कंफर्टेबल हैं, जो आप खाते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। मैं अपने हमारी पसंद के अकॉर्डिंग यहाँ पर वेजीज ऐड कर रही हूँ। फिर इन वेजीज को हम अच्छी तरह से सौते कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे, एंड देन आपको फिर यहाँ पर आपके जो मसाला होता है वो ऐड करना है। तो आई एम एडिंग हियर पिंच ऑफ हल्दी, उसके बाद थोड़ी सी लाल मिर्च एंड देन धना पाउडर। इन सबको आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए एंड उसके बाद हम ऐड करते हैं यहाँ पर डायरेक्टली राइस। इस राइस को मैंने सिर्फ नॉर्मली वॉश किया है, सोक अप नहीं किया है वाटर में। इसमें कोई प्री प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है इस कुकर में। एंड आप यहाँ पे ब्राउन राइस भी ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ पर मैं थोड़ा सा लास्ट में कोरिएंडर लीव्स यूज़ करूँगी एंड अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। एंड उसके बाद आपको यहाँ पर वाटर ऐड करना है। मैं लिटरली बता रही हूँ, मैं एकदम तुक्के में पानी ऐड करती हूँ, मुझे कुछ भी इसका मेजरमेंट का हिसाब नहीं रहता है। एंड थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करने के बाद आप इसको बंद कर देंगे। उसके बाद हमको सौते बटन से हट के यहाँ पर पुलाव बिरयानी का जो ऑप्शन है उसमें जाना है। एंड मैंने यहाँ पे क्विक मोड किया है और 5 मिनट्स के आपकी जो खिचड़ी है, जो आपका पुलाव है, वो रेडी हो जाएगा। एंड आपको इसको प्रेशर निकालना है, बिकॉज मैं लंच के लिए प्रिपेयर कर रही थी, विक्की को लेट हो रहा था, तो मैंने फटाक से इसका प्रेशर रिलीज किया एंड 5 मिनट्स में बन के ये पुलाव रेडी हो गया है एंड इट इज़ लुकिंग यम्मी एक्चुअली। ओके, तो देखा आप लोगों ने, बहुत क्विक एंड इजी तरीके से बना है इसके साथ। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ इसके प्रोज की। तो अगर आपके पास सपोज यू नो आपको सौते पैन नहीं लेना है, आपको कढ़ाई नहीं लेना है, आपको कुकर नहीं लेना है, तो यू नो मल्टीपल चीजों का ये ऑल इन वन एक काफी अच्छा सा यू नो चीज है। सपोज यू आर अ स्टूडेंट, आप कॉलेज में करते हैं, या आप किसी आप सिटी में मूव हुए हैं, किसी सिटी में मूव हुए हैं, यू वांटेड टू परचेज यू नो यूटेंसिल्स आपका कुकिंग के लिए, सो दिस इज वेरी गुड फॉर इट। मल्टीपर्पज है, काफी सारी चीजें इसके अंदर हो जाती है। आपको जरूरी नहीं है स्पेसिफिकली किचन होना चाहिए, आप इसको कहीं पर भी साइड में रख करके कुकिंग कर सकते हैं इसमें। सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग आई गेस, एंड इट लुक्स वेरी स्टाइलिश और काफी क्विकली इसमें हो जाता है। मैं आपको बताती हूँ, मैं हमेशा जब भी चावल पुलाव खिचड़ी बनाती हूँ, मेरे को पानी का कुछ भी रेशो नहीं पता होता है। इसमें भी मैंने तुक्के में ही पानी डाला था, बट स्टिल वो काफी अच्छे से नो पानी बाहर नहीं आया, और ऐसे जो प्रोसेस हो जाता है कुकर में वो सब इसके साथ नहीं हुआ, विच आई रियली लाइक इट। नाउ कमिंग टू द कॉन्स अबाउट इट, जो लोग काफी ऑलरेडी सेटल्ड है, जिनके पास काफी सारे यूटेंसिल्स हैं, हैवी यूटेंसिल्स हैं, इफ यू आर फॉलोइंग मी फ्रॉम द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम, यू नो दैट कि मैंने काफी सारे हैवी स्टेनलेस स्टील के यूटेंसिल्स दिए हैं, बिकॉज आई एम नॉट इन टू एल्यूमिनियम। मैंने अपने किचन से एल्यूमिनियम हो गया, उसके बाद टेफ्लॉन कोटिंग वाले जितने भी नॉन स्टिकी यूटेंसिल्स थे उन सबको मैंने अपने किचन से डिस्कार्ड किया है। तो कमिंग टू द मेन कॉन अबाउट दिस, इसका जो मेन कुकिंग वाला यूटेंसिल है जिसके अंदर हम एक्चुअल में कुकिंग करते हैं, दिस इज ऑफ एल्यूमिनियम और उसके ऊपर टेफ्लॉन कोटिंग है। तो एज यू ऑल नो, अगर नहीं पता है तो यू कैन जस्ट गूगल इट कि टेफ्लॉन कोटिंग और एल्यूमिनियम आपके बॉडी पे क्या इफेक्ट करता है, कितना हजार्डियस हो सकता है ये लॉन्ग रन में। तो उसके लिए मैं इसको थोड़ा सा, मेरे लिए यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट चला गया है। ऊपर की बॉडी पूरी स्टेनलेस स्टील है, सब कुछ, अगर ये स्टेनलेस स्टील होता दिस वुड बी द बेस्टेस्ट थिंग, बट क्योंकि मैं अभी इन सब चीजों से आगे अपने लाइफस्टाइल को चेंज, अपने लाइफस्टाइल में इन सब चीजें मैं बहुत कुछ चेंज कर चुकी हूँ, सो आई विल नॉट गो टूवर्ड्स अगेन टेफ्लॉन कोटिंग एंड एल्यूमिनियम यूटेंसिल के ऊपर। दूसरा कॉन भी हो सकता है, ये प्रो भी हो सकता है, ये किसी के लिए प्रो भी हो सकता है, किसी के लिए कॉन हो सकता है। मेरे लिए इट्स लाइक अ कॉन, क्योंकि मेरे किचन इज वेरी छोटा सा है एंड उसके अंदर रखने का स्पेस का मुझे लगता है कि थोड़ा बल्की है एंड इशू रहेगा स्पेस में रखने का। सो ओनली दीज टू आर द मेन मेजर कॉन्स फॉर मी। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, मैं ना तो इसको टोटली रेकमेंड कर सकती हूँ, ना ही मैं इसको नॉन रेकमेंड कर सकती हूँ, बिकॉज ये आपको मैंने इसके प्रोज एंड कॉन्स बता दिए। अब आपकी यूज और आपकी नेसेसिटी के अकॉर्डिंग आप इसको परचेस कर सकते हैं। मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। सो दैट्स इट फॉर माई वीडियो, ये बहुत ज्यादा लंबा व्लॉग नहीं था। आई होप यू रियली लाइक माई वीडियो, इफ यू डू सो देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो, एंड मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।